उन स्टॉक्स की जहां पर आज सुबह से ही झटका लगा है। दो काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इंडिया मार्ट हॉरिफाइंग शो है, 18% का नुकसान और RBL बैंक भी 14% नीचे। रिकवरी का कोई नाम नहीं इन स्टॉक्स में। हुआ क्या है, इतने बड़े एक्सीडेंट्स क्यों बने हैं? यतन हमारे साथ है, यतन बताइए। गुड आफ्टरनून हर्षदा। और इस जो क्वार्टरली रिजल्ट सीजन है, इसमें हम रिएक्शन वाइज बहुत ही एग्रेसिव रिजल्ट रिएक्शन देख रहे हैं स्टॉक्स पे। बड़े बड़े स्टॉक्स में भी एक बड़ी पिटाई आपको आते हुए दिखाई दे रही है। इंडिया मार्ट नंबर्स अगर आप Q2 फेस ऑन इट देखें तो आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन जो इंटरनल्स हैं वहाँ डेविल इन द डिटेल है, क्योंकि इनके जो ओवरऑल नंबर्स हैं सब्सक्रिप्शन के, यहाँ कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई है। इनफैक्ट कलेक्शंस में भी जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं, यहाँ दिक्कतें आने वाली हैं, ऐसा ब्रोकरेजेस का मानना है। इनफैक्ट आज जेफरीज ने इंडिया मार्ट के शेयर्स को डाउनग्रेड किया है 2540 के टारगेट के साथ। और कहीं ना कहीं ये जो Q2 की ग्रोथ मॉडरेट हो रही है, ये बाज़ार को पसंद नहीं आया। अगर हम कलेक्शंस की बात करें तो केवल 5% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिली है, और कहीं ना कहीं अगर 10-15% की सब्सक्राइबर एडिशन नहीं होती है ग्रोथ वाइज, तो ये वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं है, ऐसा ब्रोकरेज का मानना है। इनफैक्ट जेफरीज ने लगभग 12% तक इनका EPS अनुमान भी काटा है। दूसरी बात है RBL बैंक की, अनुमान से बेहतर नंबर्स की उपेक्षा थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो केवल 222 करोड़ आया। अनुमान था कि लगभग 280 करोड़ का पैट आएगा। एसेट क्वालिटी भी देखें तो प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट ग्रॉस NPA बढ़ के 2.88% हुआ है, जो पिछले क्वार्टर 2.69% था। तो ग्रॉस NPA बढ़े हैं, नेट NPA बढ़े हैं, और कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी में भी आपको एक मार आती हुई दिखाई पड़ी है, जिसके बाद शेयर में आज 10-15% का नुकसान देखने को मिल रहा है। ओके, RBL बैंक और एक्सीडेंट ऑफ द डे, और साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पे इंडिया मार्ट है। कहते हैं शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। RBL बैंक को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखिए, RBL बैंक वो उन बैंकों की श्रेणी में है जिसने बीते 3 महीने में कभी किसी स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट किया ही नहीं, और वीकनेस के दौर में यार ऐसा पार्टिसिपेट कर रहा है कि पूछे मत। अब ये इवन वीकली पे नंबर्स के बाद, मतलब हम कभी कभी गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं डेली पर नेगेटिव क्रॉसओवर्स की, लेकिन यहाँ पे अब वीकली पे नेगेटिव क्रॉसओवर्स डेवलप हो रहे हैं। शरद जी, एक होता है ना टैड बुल लिक्विडेशन, फाइनली वो भी एग्जिट करे क्या जिसने काफ़ी समय से एक रिकवरी के व्यू के तहत इसको होल्ड किया था? बड़ी अंडर परफॉर्मेंस शुरू हुई थी मई 2019 में, उसके बाद इस ट्रेजेक्टरी में आया 300-225 की ट्रेजेक्टरी में, अब फाइनली 176। करना क्या चाहिए? आप RBL को आइसोलेशन मत देखिए। अगर मेरे पास इसी समय कोई और बेटर ऑप्शन अवेलेबल है अच्छे वैल्यूएशंस पे, तो क्या स्विच करना चाहिए क्या? देखिए, बैंक्स में क्या है, एसेट क्वालिटी कंसर्न जहां पे भी रहेगा वहां थोड़ा स्टीप रिएक्शन मिल सकता है, अनलेस एंड अंटिल आप ये उम्मीद करते हैं कि उस एसेट क्वालिटी में कोई बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है। मुझे लगता है RBL 0.8-0.9 टाइम्स प्राइस टू बुक पे कल तक था, आज वाली फॉल के बाद आप 0.7 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा होगा, 0.7-0.6 टाइम्स। तो ज्यादातर पेन शायद प्राइस में ऑलरेडी है, रादर देन इन प्राइसेस पे आप हड़बड़ा के एग्जिट करें, मेरे हिसाब से मेजर लॉसेस जिसके पास भी होंगे, अगर आप पीक प्राइसेस वगैरह देखें 300 के आसपास, तो वहां से डिसेंट हमने ऑलरेडी मूवमेंट देख ली है। तो मुझे लगता है ज्यादातर पेन शायद प्राइस में है, 0.6-0.7 टाइम प्राइस टू बुक में बहुत ज्यादा अब यहाँ से गिरने की गुंजाइश मुझे कम लगती है, अनलेस अनटिल ये बनता है कि ये पूरी तरह कोलैप्स होकर खत्म हो जाएगा, जो मुझे लगता है एक लो प्रोबेबिलिटी इवेंट है। जहां तक NPA प्रेशर्स का सवाल है, पिछले 3-4 सालों में ये कभी उससे बहुत ठीक से उभर नहीं पाए, तो मुझे लगता है वो प्रॉब्लम इनके नंबर्स में अभी भी है। बट 0.6-0.7 टाइम्स प्राइस टू बुक पे मुझे लगता है ज्यादातर शायद जो NPA इशू है वो प्राइस में ऑलरेडी है। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत रख सकते हैं तो आपको इन लेवल्स पे एग्जिट नहीं करना चाहिए, पुल बैक का वेट करिए। मोस्ट प्रोबेबली सेकंड हाफ ऑनवर्ड्स जनरली अक्रॉस द बैंक्स थोड़े बेटर नंबर्स आने चाहिए सेकंड हाफ में, तो वहां आपको मोस्ट प्रोबेबली अगले 3-4 महीनों में एक बेटर एग्जिट पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे अंदर होके बेचने की अब जगह मेरे हिसाब से कम है, बट एट द सेम टाइम चूंकि NPA साइकिल में हमने कोई ऐसी बड़ी इंप्रूवमेंट देखी नहीं है, तो फ्रेश बाइंग बहुत एडवाइजेबल नहीं होगी अनलेस अनटिल आप डिटेल में आपको ये लगता है कि NPA साइकिल उनका घूम जाएगा। जहां तक स्पेस में खरीदने की बात है, मुझे लगता है स्मॉल फाइनेंस बैंक एक एरिया है जिसको हम देख रहे हैं, फ्यूजन एक स्टोरी है जहाँ काफी बड़ी करेक्शन आई है, और वो हम लोगों को अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगले 6 महीनों में मुझे लगता है जैसे जैसे जो इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट होते हैं वहाँ एक बढ़िया रिकवरी देखने मिल सकती है। बट RBL में अभी तक जो क्लैरिटी है वो कहीं भी इस पर इशारा नहीं कर रही कि बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने मिलेगी।
बट पॉजिटिव साइड पे ये है कि सेकेंड हाफ में जो आपके एडवांसेस ग्रोथ है उसमें थोड़ी लीप मिलती है, तो उसकी वजह से हो सकता है आपको जीएनपीए प्रेशर वगैरह कम देखने मिले। और वैल्यूएशन में मेरे हिसाब से ज्यादातर पेन शायद प्राइस्ड है, बहुत ज्यादा डाउन साइड यहाँ से खोज पाना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ इंडिया मार्ट, पहले तो मानस, इंडिया मार्ट जिस तरह से बिखरा है, ये एक स्टॉक है जो हम पहले भी काफी ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं, बताइए चार्ट्स पर अब क्या स्थिति, कितनी बिगड़ी है और कितना और टूटने की गुंजाइश है? देखिए अगर हम चार्ट्स पे देखें तो स्थिति तो खराब लग रही है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। पॉइंट ये है कि अब ये स्टॉक 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, 2220 ये आप टारगेट सेट करके चल सकते हैं, और कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की, लॉन्ग पोजिशन से निकलने की कोशिश करनी है, इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। शरद, फंडामेंटली क्या आपको लग रहा है, क्योंकि इससे पहले आशीष भी बात कर रहे थे मैनेजमेंट से, देखिए सिचुएशन तो अलार्मिंग है कि पेइंग सब्सक्राइबर्स या पेइंग कस्टमर्स से उतना ज़्यादा बिजनेस नहीं आ रहा है जितना शायद पहले आता था। यहाँ पर कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर सिर्फ 5% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, यूनिक रजिस्ट्रेशन में भी पेड कस्टमर्स की संख्या इस क्वार्टर बहुत मामूली सी, सिर्फ 2400 के आसपास बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये जो क्रीम निकलता था इंडिया मार्ट में वो प्राइमरीली इन पेड कस्टमर सब्सक्राइबर से ही आता था, सब्सक्रिप्शन से ही आता था, उसी में इजाफा नहीं है जी? मुझे लगता है जैसे शॉर्ट टर्म का तो बोलना थोड़ा मुश्किल है, बट लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है बियॉन्ड FY25 में एक्सपेक्टेशन थी कि ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी बॉटम लाइन के लेवल पे, लेकिन उसके बियॉन्ड जैसे जैसे बिजनेस मैच्योर होता है आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि 10-15% 20% जैसी CAGR रहेगी बॉटम लाइन में, तो 15-20% की CAGR के सामने आप उसको प्लेटफॉर्म बिजनेस की तरह 10-11 टाइम EV/2 सेल्स, मुझे लगता है वो थोड़ी अग्रेसिव वैल्यूएशन है। और प्योरली अगर PE के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है अभी भी कितना 25-26 लगभग 30 टाइम फॉरवर्ड के हिसाब से FY27 की अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा होगा, थोड़ा बहुत FY26 एस्केलेट हो भी जाता है तो मुझे लगता है 30 टाइम फॉरवर्ड पे लगभग फेयरली टू स्क्वायरली वैल्यूड है, बहुत ज्यादा अपसाइड खोजना शायद मुश्किल होगा। थोड़ा बाजार में मोमेंटम रहता है, थोड़ा रिस्क ऑन वापस आता है, तो हो सकता है एक आपको ऑप्टिक मिल जाए अगले 3-4 महीनों में, बट वो बाजार के साथ साथ, बट इन वैल्यूएशन पे मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से इनको प्लेटफॉर्म बिजनेस वाली वैल्यूएशन मिल रही है, इनमें आपको ग्रोथ रेट्स वगैरह एक जोमैटो नाइका या ऐसी स्टोरीज की जैसी ग्रोथ रेट नहीं है, तो टिपिकली प्लेटफॉर्म बिजनेस वाली वैल्यूएशन 10-11 टाइम्स EV/2 सेल्स मुझे लगता है थोड़ी स्ट्रेच वैल्यूएशन से अभी भी 10% करेक्ट हुआ है 9 टाइम, तो मुझे लगता है ये अभी भी थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है। प्योर अर्निंग्स के हिसाब से भी 10-15-20% की ग्रोथ के लिए आप 20-30 से ज्यादा की मल्टीपल देना थोड़ा मुश्किल है, तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहा तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2700-2800 तक के भाव आपको बीच बीच में मिल जाए जब कुछ पॉजिटिव आए तो, बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ये लगभग फेयरली स्क्वायरली वैल्यूड है, शायद अगले 24 से 36 महीने लगभग फेयरली प्राइस्ड इन है अभी प्रभाव में।